अबू आसिम आजमी के नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़। देखिए गोंडी की पब्लिक सुबह 10 बजे कहीं दिखती नहीं है, आप इस एरिया में आएंगे ना पूरा रोड सन्नाटा रहता है, लेकिन आज सुबह 9 बजे से ये पब्लिक खड़ी है बिना नाश्ता किए बिना खाए हुए। अब इस वक्त कितना बजा, इस वक्त 2 बज रहा है, 2:30 बज गया, सब खड़े, इतने लोग खड़े लाइन में, तो यहाँ से वहाँ तक लोग खड़े हैं। ये लोगों में मोहब्बत है और ये मोहब्बत ये दिखाती है कि समाजवादी पार्टी अब की बार जितने तीन बार में जितने वोटों से चुन के आई ना उससे ज्यादा वोट अब की बार चुन के आएगी। लोगों का कहना है कि इस बार गुरु और शिष्य की लड़ाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? गुरु जीतेगा, गुरु ही जीतेगा। साईं संगत साधु के नहीं बलि, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र प्रदेश इकाई के अध्यक्ष तथा वर्तमान विधायक अबू आसिम आजमी ने मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा से एक बार फिर विधानसभा चुनाव में पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर भारी तादाद में लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए और एक बार फिर अबू आसिम आजमी की जीत की कामना की। वहीं सबसे पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपनी मौजूदगी दर्ज कर नामांकन के दौरान 4 चांद लगा दी। भाई इस बार आपका चुनावी माहौल किस तरीके का बना हुआ है? देखिए गोंडी की पब्लिक सुबह 10 बजे कहीं दिखती नहीं है, आप इस एरिया में आएंगे ना पूरा रोड सन्नाटा रहता है, लेकिन आज सुबह 9 बजे से ये पब्लिक खड़ी है बिना नाश्ता किए बिना खाए हुए। अब इस वक्त कितना बजा, इस वक्त 2 बज रहा है, 2:30 बज गया, सब खड़े, इतने लोग खड़े हैं लाइन में, तो यहाँ से वहां तक लोग खड़े हैं। ये लोगों में मोहब्बत है और ये मोहब्बत ये दिखाती है कि समाजवादी पार्टी अब की बार जितने तीन बार में जितने वोटों से चुन के आई ना उससे ज्यादा वोट अब की बार चुन के आएगी। लोगों का कहना है कि इस बार गुरु और शिष्य की लड़ाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? गुरु जीतेगा, गुरु ही जीतेगा। साईं संगत साधु के नहीं बलि, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। मैंने चेलों को मैंने सिखाया है तो जीत तो मेरी होने वाली है। इस चुनाव में महिलाओं का क्या प्रतिशत रहेगा जबकि वर्तमान सरकार द्वारा लाडली बहन योजना की तैयारी की? अरे भैया ये बुद्धू बना वाली बात बा, बुद्धू एक तरह से 1500 देना, दूसरी तरह 5000 ले लेना। इलेक्ट्रिक का बिल इतना ज्यादा है ना, लोग परेशान है कि नहीं? इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा परेशान है, अदानी को ला करके लोगों का जेब काटा जा रहा है। आप हमें बेवकूफ समझते हो बुद्धू? हम लोग बुर्बक नहीं है भाई, 1500 दोगे 5000 लोगे ये नहीं चलेगा। जब मौत आती है तो तौबा भी कबूल नहीं होती। अब ये है ना,
ये समय आ गया है वोट का, तो खजाना खोल रहे हो पब्लिक का पैसा, अपने अब्बा का पैसा लाए हो का? क्या चुनावी मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा चुनावी कुछ है नहीं, सब मुद्दा जितना भी काम है सब किया जाएगा, सिर्फ एक से लेकर जेड तक। अस्पताल की जरूरत है तो अस्पताल बनवा दिया गया, अमेरिकन सिस्टम देख लो कितना शानदार अस्पताल बना हुआ है, अभी ओपनिंग, इसकी ओपनिंग हो जाएगी, 10 साल से हम चिल्ला रहे इसके लिए। और करप्शन खत्म होना चाहिए, हमारे यहाँ SMS कंपनी है, इसको तुरंत बंद करो और स्कूल कॉलेज खोलो, जितना भी रिजर्वेशन है DP में, हमारे एरिया में एक कोर्ट खुलना है, एक जो है पुलिस स्टेशन नया बनना है, और मुसलमानों का 5% रिजर्वेशन, ये सब मुद्दा लेके उठे हैं। दुआ कर दो हाथ उठा कर कि अब की सरकार बने ना, तो हमारे बगैर ना बने, बस काम हो जाएगा। वो इस पर्चा दाखिले के अवसर पर अयोध्या के सांसद जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद है, वो आज पर्चा दाखिले के मौके पर यहाँ हाजिर हुआ, उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई है। आइए कुछ जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सर। एक अल्लाह बोल, अयोध्या के राजा जिंदाबाद। अयोध्या से चल के आप अबू हसीम आजमी के पर्चा दाखिला में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना है आपका? ये जन समर्थन इस बात का सबूत है कि भाई अबू हसीम आजमी बहुत बड़े वोटों जीतेंगे, चौथी बार जीतेंगे, और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के हाथों मजबूत करेंगे।